नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारा जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आ रहे हैं। पहले से पहले हमारे YouTube चैनल पे हमने 3 वीडियोस अपलोड करे थे। उन तीनों वीडियोस में पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके जो इम्पोर्टेंसेस है, पार्टनर्स हैं उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज, इसके अलावा हमने PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उनके बारे में हमने वो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जो कि आप हमारे YouTube चैनल पे प्रीवियस सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट है पार्टनरशिप। चलिए आगे उसी कड़ी में शुरू करते हैं हम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, भले ही ये हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ ये आपको पूरा टॉपिक जो IOC का इस चैप्टर में होगा या पूरी पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी है वो आपको सारा एक ही जगह ला करके बताएंगे हम, तो प्लीज इसे स्किप ना करें और कंटिन्यूस देखें। चलिए आगे शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं और नैंसी हम दो लोग पार्टनर बने। अब दो पार्टनर बने, नैंसी एक्चुअली में क्या है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से है। नैंसी बायोलॉजी बैकग्राउंड से तो उसे इतना कुछ पता नहीं है बिजनेस के बारे में। वो मेरे पास आई, हम दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप करने पे हमने जब पार्टनरशिप डीड बनाई हमारी, जब प्रोविजन हमने लिखे, तब उसने कहा, बोले यार अंकित ये IUC का क्या मतलब है, क्यों दिया जाता है। तो मैंने उसे सिंपल से एक बात समझाई। मैंने उस नैंसी से कहा, मैंने कहा नैंसी एक बात बताओ, अगर तुम्हारे फादर ने जो तुम्हारे घर बनाने के लिए लोन ले रखा है वो लोन कहां से लिया उन्होंने। तो उसने बताया कि वो पैसा लेकर गया SDFC बैंक से। मैंने कहा वेरी गुड, तो उस SDFC बैंक से आपने जो पैसा लिया 10 लाख रुपए का, मान लीजिए आपने लोन लिया है, वो लोन आपने दिया, आप उसको रीपे कर रहे हो। उसने कहा बिल्कुल, टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट जाती है। बोले मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कभी किसी का पैसा नहीं रोकते। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैंने उससे कहा कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है क्या उस पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही जाता है केवल। बोला नहीं, इंटरेस्ट भी जाता है साथ साथ। मैंने क्यों लेती है आपकी वो बैंक आपसे इंटरेस्ट। तब मुझे नैंसी ने कहा कि अपन उसका पैसा यूज कर रहे हैं इसलिए अपने से क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रही है। मैंने उसे बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में समझाया कि नैंसी जिस तरीके से आपने, नैंसी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, तो उस बैंक से लोन लिया, लोन पे क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है नहीं कर रही। सेम काम यहां पे है, हमारा जो बिजनेस था नैंसी एक पार्टनर मान लेते हैं और इस बैंक लोन की जगह हमने क्या कर दिया, हमारा बिजनेस रख दिया। अब जब हम बिजनेस को लोन देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे अगर एक बात बताई उस नैंसी से, मैंने कहा कि नैंसी अगर इस बिजनेस को अपन कैपिटल नहीं लगाते, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो ये बिजनेस पैसा कहां से लेकर के आता। तब नैंसी कहती है कि ये पैसा तो फिर अपन बैंक से लेते। तो मैंने कहा बिजनेस अपना बैंक को लोन देता या नहीं। तो नैंसी ने कहा बिल्कुल लोन देता। इसीलिए फिर नैंसी बात मान गई और नैंसी ने कहा कि वाकई में IOC है जो अपन को मिल रहा है, अगर हमने पैसा बैंक से पैसा लेकर आता बिजनेस तो बैंक को इंटरेस्ट देता, बैंक को इंटरेस्ट देने के बजाय हम लोगों को वो इंटरेस्ट दे रहा है। इसीलिए कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है किसी पार्टनर को उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। अब यहां एक डिस्टिंक्शन लेकर के चलेगा, लेट सपोज मैं और नैंसी तो पार्टनर है और ये एक फर्म है, हम लोगों ने फर्म को क्या दिया, पैसा दिया, फर्म हमें उसके बदले में क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। हमने फर्म को लोन दिया, फर्म हमें उस एक तरीके से कैपिटल लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट लगाया, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें बिजनेस क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा था। एक बात बताइए, पार्टनर के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम, और फर्म के लिए इनकम ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो देखिए एक्चुअली ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दो चीजें आपको ध्यान रखे चलनी है। इट इज गिवन ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये हमेशा किस पे दिया जाएगा, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। हमेशा जो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस होगा उस ओपनिंग बैलेंस पर अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट देते हुए चलेंगे। अब अगर कोई फर्दर इंट्रोडक्शन होता है तो वो नॉर्मल सी बातें आगे देख लेंगे अपन। दूसरा है इट इज एन एक्सपेंस फॉर दी फर्म, ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर की तरह, सो दैट इट इज ऑलवेज डेबिटेड। अब सबसे पहली चीज आती है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। तब मैंने उसे कहा, तो उसने नैंसी को मैंने समझाया कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करती है, क्योंकि मैंने कहा था वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है। तो मैंने नैंसी से कहा कि नैंसी देख, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन ऐसे करेंगे, नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स है, जो तूने 8th, 9th, 10th क्लास तक पढ़ रखी है बिल्कुल वैसे की वैसे है। तो नैंसी आप घबराओ मत, हम आपको सिखाएंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है। इसमें हम हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक्चुअल में ऑप्शंस नहीं है, ये केवल आपको समझाने के तरीके हैं अलग अलग। हो सकता है आपके स्कूल में ये मेथड यूज किया जाता हो, किसी स्कूल में ये मेथड यूज किया जाएगा। अपन दोनों ही चीजें सीख लेते हैं और फिर आप खुद भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जहां आपको जो बेस्ट लगेगा वो आप ले लीजिएगा।
देखिए अब हमारे पास मैंने कहा कि आपको आईयूसी कैसे लगेगा, जो आपकी कैपिटल थी वो उस कैपिटल पे रेट अपॉन 100 यानी जिस इंटरेस्ट से रेट से अपने को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है वो इनटू मंथ अपॉन 12 जितने महीने का आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है उतने महीने की ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 12 क्यों करते हैं क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं बेटा 12 महीने इसलिए 12 महीने की अपन ने टोटल कैलकुलेशन दिखा दी। अब इसी तरीके से दूसरा है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 अब देखना इन दोनों से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ये अपना वर्कआउट कैसे होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मान लीजिए हमारे पास में दो पार्टनर हैं राम और श्याम दो पार्टनर थे इन दोनों की जो ओपनिंग कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल की बात करते ना अपन ओपनिंग बैलेंस इनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। अब हुआ क्या राम को थोड़ी राम के पास पैसे आए कहीं से इसने 30 अगस्त को इसने क्या करा 2 लाख रुपए फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिए। इंट्रोड्यूस करने का मतलब इसने क्या कर दिया यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लगा दी इसने फर्म में क्या कर दिया कैपिटल एडिशनल लगा दी है। और शाम को हो सकता है कि अपनी सिस्टर की शादी करनी थी इसलिए 30 सितंबर को उसने उसमें से 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। अब ऐसे केस में इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके लिए आपको क्या कर रखा है इसने रेट दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 10% 10% की रेट से हमें क्या करना है इंटरेस्ट लगाना है। अब सबसे पहले मैं सिंपल बात करता हूं जैसे हमारा ऑप्शन फर्स्ट था इस ऑप्शन फर्स्ट में अगर बात की जाए हमारे पास पार्टनर कौन कौन है फर्स्ट है राम तो राम को हमने जो दिया राम की कैपिटल एक बात बताइए कितनी थी 10 लाख रुपए यही थी इंटू रेट कितनी है 10%। अब क्या ये 10 लाख रुपए पूरे थ्रू आउट द ईयर 10 लाख ही देगा नहीं इसने क्या करा था 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए थे तो हमने क्या करा 10 लाख रुपए कितने महीने तक रहे इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक कितने महीने होते हैं 4 महीने अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त सॉरी 5 महीने अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त अगस्त का पूरा महीना है तो पूरे महीने तक अगस्त के कितने 5 मंथ्स थे तो इंटू 5/12। उसके बाद क्या हुआ राम ने और पैसा लगाया कितना 2 लाख रुपए अब राम की कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख इंटू 10% इंटू अब कितने महीने बचे 30 अगस्त तक तो अपना लगा ही चुके अगस्त के बाद से गिन लीजिए हमारा काउंटिंग ईयर मार्च में खत्म होता है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च यानी 7 मंथ तो 7/12 इन दोनों का जो सम टोटल आएगा वो सम टोटल हमारा क्या हो जाएगा इस जगह पे इसकी टोटल कैपिटल टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा ये वाला जो अमाउंट होगा वो इसका टोटल इंटरेस्ट होगा। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से अब शाम का लगाया जाए तो शाम का वापस देख लीजिए आपके पास एक तरीके से ऑप्शन हो गया ये शाम वाले में क्या करेंगे शाम की कैपिटल कितनी थी बेटा 15 लाख रुपीज इंटू कितने परसेंट 10% 15 लाख थे क्या पर पूरे साल तक 15 लाख रहे नहीं सर इसने 30 सितंबर को कितने पैसे निकाल लिए 3 लाख रुपए तो एक बार बताइए अप्रैल से लेके शुरुआत से लेके 30 सितंबर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इस 6 महीने तक इसका जो कैपिटल थी वो कितनी रही 15 लाख रुपए रही क्लियर। उसके बाद में यानी इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 75,000 का उसके बाद इसने 3 लाख निकाल लिए अब कितने पैसे बचे 12 लाख 10% इंटू कितने महीने का अब 6 महीने और बच रहे हैं 6 कैसे 30 सितंबर को कैपिटल चेंज हुई तो जिस दिन चेंज होगी वहीं से कैपिटल का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा तो सितंबर के बाद में यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 6 महीने का ये लग जाएगा 6 महीने का टोटल आया कितना 60,000 अब टोटल इसका कितना हो गया अपना 1,35,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट है ऐसे ही राम का जाएगा। एक तरीका ये है जिसे सिंपल मेथड कहते हैं अपन ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों ने आपकी 8th 9th 10th के अंदर जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें नॉर्मल इंटरेस्ट इसी रेट से लगाया जाता है लेकिन हमें अगर कुछ नया करना हो तो क्या करें अब मेरे पास एक दूसरा तरीका और है कि कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12 आई होप ये वाला आपको चीज समझ में आ गई होगी फर्स्ट मेथड यानी मंथ अपॉन 12 था कितने महीने आपकी कैपिटल रही देखिए कैपिटल लगा दिया अपन ने रेट अपॉन 100 कर दिया मंथ अपॉन 12 का मतलब कितने महीने हमारी कैपिटल उसमें इन्वेस्टेड होती है। अब दूसरे मेथड से अपन बात करते हैं दूसरे मेथड में एक्चुअल में क्या है इसे कैपिटल प्रोडक्ट कहा जाता है ये एक प्रोडक्ट मेथड है ध्यान से समझना इस बात के लिए मैंने कहा हमारे पास पार्टनर कितने भैया राम और श्याम ठीक है सर राम की जो कैपिटल है वो कैपिटल कितनी है अपनी 10 लाख रुपए ये 10 लाख रुपए की कैपिटल कितने महीने रही आप तो ये बताइए 4-5 महीने अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तो 10 लाख की कैपिटल रही 5 महीने इसका टोटल प्रोडक्ट हो गया 50 लाख प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन कैपिटल इंटू ड्यूरेशन
ठीक है, उसके बाद में कैपिटल चेंज हुई, आप कितनी हो गई 12 लाख, 12 लाख रुपए की कैपिटल हुई। और कितने महीने और रहे? 30 अगस्त से लेकर के 31 मार्च 2019 तक, ये हमारी क्लोजिंग डेट है। इस डेट तक आप कितने महीने हो गए? 7 महीने। इस हिसाब से हमारा कितना हो गया? 84 लाख। तो टोटल अमाउंट कितना आया है इसका? ये 1,34,00,000 रुपीज इतना अमाउंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 1,34,00,000 रुपीज का हमारा क्या था? कैपिटल प्रोडक्ट था, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 10 मंथ इनटू 1/12, ये 1/12 कर लेंगे, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए शाम का देखते हैं, शाम की कैपिटल कितनी थी? 15 लाख इनटू कितने महीने रही उसकी कैपिटल? ये चेंज हुई थी 30 सितंबर को, मतलब 6 मंथ के लिए कैपिटल रही है, तो 6 मंथ का कितना हो गया? 90 लाख। उसके बाद में फिर कैपिटल हो गई कितनी? 12 लाख हो गई, क्योंकि इसमें 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, अपने सिस्टर की शादी के लिए इसमें 3 लाख रुपए निकाले थे, तो 12 लाख में से 12 लाख बचे अभी कितने महीने के? 6 मंथ के, तो कितना हो गया? 72 लाख। इस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना होता है अपना? 1,62,00,000 अमाउंट हो गया। तो 1,62,00,000 अमाउंट है, तो इसका अगर हम क्या करें, इंटरेस्ट निकालते हैं इनटू रेट कितनी है? 10/100 इनटू 1/12, 1/12 करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका टोटल अमाउंट? 1,35,000। एक्चुअल पता है क्या है, मेथड अलग नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। वो तरीके कैसे देखिएगा, मैंने क्या किया था, आराम से समझा कॉन्सेप्ट जो है, कैपिटल कैपिटल, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, मंथ अपॉन 12 था, और ये क्या था? 1/12 था। बस यही मैंने खेल दिया, मंथ अपॉन 12 मैंने दोनों जगह अलग अलग मल्टीप्लाई किया, जबकि मैं यहां क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये मंथ से जो मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो मंथ से मल्टीप्लीकेशन है ना, ये मंथ से मल्टीप्लीकेशन मैंने एक साथ यही कर दी, और उसके बाद मैंने 1/12 कर दिया, क्योंकि डिवाइडेशन के अंदर अगर आपके कोई अगर डिनोमिनेशन में है तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो हमारी मैथमेटिक्स क्या कहती है? ऊपर 1 मानेंगे। इसी तरीके से देखिए, यहां भी क्या था, मैंने 6 मंथ और 6 मंथ दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने 6 मंथ और 6 मंथ को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर कैपिटल प्रोडक्ट के साथ, और फिर मैंने डिवाइड लगा दिया 1/12 का। तो केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड के साथ जाएं। रीजन क्या है, क्योंकि हमें कॉमर्स वाले बच्चे, हमें आलस पसंद है। अब आलस की अगर बात देखी जाए तो भैया एक बार बताओ, यहाँ कैलकुलेशन कितनी बार होगी? 2 बार। यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितनी बार? 1 बार। तो हमें तो एक ही बार चाहिए ना भैया, बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट लिख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको मेल, अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करवाता हूँ, उस मेल आईडी पे भी आप क्या कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, जितना जल्दी होगा हम उस चीज का सोल्यूशन देंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, उस दूसरे टॉपिक की अगर बात की जाए तो उस टॉपिक में हमारे पास होगा क्या, हम यहाँ बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू आईओसी। एक्चुअल में वीडियो का अब एक तरीके से सेकंड पार्ट है कि किस तरीके से आईओसी के प्रोविजंस काम करते हैं। आईओसी आपको समझ आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे नैन्सी को मैंने समझाया, मैंने बिल्कुल आपको उसी तरीके से समझाया, और अगर नैन्सी समझ सकती है तो आप तो बहुत ज्यादा समझदार है। देखिए कह रहा है, प्रोविजंस फॉर आईओसी अगर बात करें तो पहला प्रोविजन है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई आईओसी नहीं होगा। कोई आईओसी नहीं होने का मतलब हमें किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने एक प्रोविजन पढ़ा था पहले, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोविजन पार्टनरशिप डीड, 6 बातें हमने पढ़ी थी, कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, कोई कमीशन नहीं, इसके अलावा हमारे को अगर कोई जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? 1:1:1। और जो 6th प्रोविजन था, अगर कोई पार्टनर को लोन, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा कितने? 6% पर एनम से। ये 6 प्रोविजन थे, मतलब कोई आईओसी नहीं मिलेगा, तो हम कोई आईओसी नहीं देंगे। अब जैसे इसे एक एग्जाम्पल लें, हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया मान लीजिए, उस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हमारे पास जो प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया, वो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आता है? लेट सपोज 1,00,000 रुपीज। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उस पे 2 आईओसी, आईओसी लगता है ए और बी पार्टनर का, लेट सपोज 60,000 और 40,000। या थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मान लीजिए आईओसी लगता है हमारा कितना? 30,000 और 20,000, ये आईओसी लगता, तो 50,000 रुपए आईओसी देते और बाकी के 50,000 अपन दे देते क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये 50,000 और 50,000 ए और बी में हम बांट देते कैसे?
25,000 से। ये तो तब होता है जब नॉर्मल वर्किंग होगी। अब ध्यान से समझना, अलग अलग जो प्रोविजन है उस हिसाब से। मैंने कहा नो पार्टनरशिप डील, कोई पार्टनरशिप डील नहीं है, तो इसका मतलब कोई आईओसी नहीं मिलेगा। आईओसी नहीं मिलेगा तो ये अमाउंट नहीं आएंगे आपके, तो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट क्या होगा पी एंड एल रेशियो के हिसाब से। 1:1 का रेशियो हमने बताया, तो 1:1 का रेशियो मतलब 50,000 और 50,000 में हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टैक्स। अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो आईओसी नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल क्या करेंगे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होता है, अगर फर्म लॉस में जा रही है तो भी किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लॉस कैसे माने, यहां तो प्रॉफिट था, अगर लॉस होता तो हमारा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ज्यादा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और लॉस बढ़ेगा। लॉस होता तो इधर आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो और लॉस बढ़ेगा, इसलिए हम लॉस नहीं बढ़ाएंगे, केवल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स इट, इस जगह पे हमारे कोई आईओसी नहीं मिलने वाला। आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने कहा मान लीजिए सपोज दैट अब इस जगह जो हमारी कहानी चेंज हो रही है, उस चेंज में ये फर्स्ट हमारा था, अब सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन आया उस ऑप्शन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, टू नेट लॉस, वो लॉस है हमारे पास कितने का, 20,000 का। हम अगर आईओसी और देते 30,000 और 20,000 ए और बी का, तो या लॉस 50,000 और बढ़ जाता तो लॉस बांटना पड़ता 70, वो नहीं करेंगे। अब अगर हमारे पास क्या होगा, इफ देयर इज अ लॉस देन देयर इज नो आईओसी, कोई आईओसी नहीं देने वाले, यहाँ केवल बाय पार्टनर्स कैपिटल करके ए और बी में लॉस बढ़ जाएगा 10,000। दैट्स इट, आई होप ये दो चीजें आपको समझ आ गई होगी। तीसरी बात करते हैं, थर्ड, जब हमारे पास हो एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज देयर, अगर हमारे पास पूरे अमाउंट का अगर प्रॉफिट है तो क्या किया जाए, तो नो प्रॉब्लम। अगर जब प्रॉफिट है भैया तब तो फिर दे दो, तब फिर हमारे को दिक्कत कहां आ रही है, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास सफिशियंट अमाउंट प्रॉफिट, कैसे मालूम प्रॉफिट सफिशियंट से भी ज्यादा ही है। मैंने कहा आपके पास जो बाय नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट कितने का था, 100,000 रुपए का। आपका जो टू आईओसी था वो आईओसी ए और बी का कितना आ रहा था, हमारी कैलकुलेशन करके 30,000 और 20,000, तो ये पूरे 50 बांट दिए, बाकी का टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में बढ़ जाएगा कितने का, 25,000 25,000, ये 50,000 ये बढ़ गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का। यानी हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ अगर प्रॉफिट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, आईओसी पूरा दे देंगे और बचे हुए प्रॉफिट को बांट देंगे। मान लो अगर यहाँ क्या होता, मैं फिर इसी पॉइंट पे अगर एक चेंज और करूं, मेरे पास होते कितने, 50,000 ही होते केवल, तो मैं क्या करता, 50,000 होते तो पहले आईओसी देते, हमारे पास आईओसी में पूरे 50,000 खत्म हो जाते, तो उसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ता। क्लियर, ये थर्ड पॉइंट में दोनों चीजें समझ आ गई। अगर मेरे पास जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट है तो पहले आईओसी दे दो फिर प्रॉफिट बांट दो, अगर मेरे पास केवल आईओसी जितना ही प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जो था उसको पहले आईओसी देंगे, उसके बाद अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जो बचाएगी। अब लेकिन जो चौथा टॉपिक है ना, वो थोड़ा कान खोल करके और ढंग से सुनना आराम से, क्योंकि इस टॉपिक में ही कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। वो क्या, मान लीजिए हम ऐसे अधर झूल में हैं, पहले अगर प्रॉफिट था तो दे दिया था, लॉस था तो नहीं दिया था, बात खत्म हो गई थी, लेकिन हम दोनों को, हमें इसने धर्म संकट में ला करके छोड़ दिया और ये कह दिया कि भैया प्रॉफिट तो है लेकिन वो प्रॉफिट कैसा है आपके पास में, लेस अमाउंट में है, मतलब जितनी जरूरत आपको है ना उससे कम है वो आपके पास। तो देखिए मैं कहता हूं कि हमारे पास में जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आया लेट सपोज 30,000 का, ध्यान से समझना प्लीज, अब बात को आ रहा ना, नेट प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 30,000, ठीक है। हमारा आईओसी अगर हम नॉर्मली अगर देखते तो हमारा आईओसी कितना लगता, 30,000 और 20,000, ठीक है, ये 30,000 और 20,000 हमारा प्रॉफिट लगता, लेकिन हमारे पास यानी टोटल हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए था कितने का, 50,000 का, और हमारे पास तो जेब में पैसे ही कितने हैं, 30,000 है, हमारे पास केवल और केवल प्रॉफिट कितना बचा है, 30,000 का प्रॉफिट बचा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो प्रॉफिट है ना आपका वो डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, लेकिन कैसे, पीएसआर ने, भैया तो क्या करो जब आपके पास प्रॉफिट है लेकिन आईओसी अमाउंट ज्यादा जा रहा है, तो बोले भैया एक काम करो आईओसी रहने दो केवल प्रॉफिट बांट दो। नहीं सर, उस केस में जब हमारे पास ये अधर झूल वाली कंडीशन आई ना, इन दोनों की जैसी कि लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है, दो भी केस है,
तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन भी दोनों का मिक्सचर निकलेगा। वो क्या, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के तौर पे नहीं कटेगा, इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे आईओसी के रेशियो में। कैसे, इफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज देयर, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, आईओसी के रेशियो में बटेगा। तो देखिए जरा ध्यान से समझना, ऐसे केस में आप क्या करोगे, हमारे पास में आईओसी है, आईओसी तो नहीं दे सकते। अब एक बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना आया मेरे भाई, 3:2। मैं इस टॉपिक को यहां और ढंग से क्लियर करके समझा देता हूं। तो मेरा जो आईओसी का रेशियो है, वो आईओसी का रेशियो मेरा कितना है, 8:2, यानी 30:20, 3:2 का रेशियो हो गया मेरा, यही रेशियो है। अब मुझे क्या करना है, इस 30,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो ए को पैसा कितना मिलेगा, यहां हमारे पास में 18,000, और बी को कितना मिलेगा, 12,000। मतलब देखो अब क्या किया मैंने, हमारे पास आईओसी नहीं देंगे भैया, क्या आईओसी नहीं मिलेगा, केवल क्या बैठेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट हम इक्वल ही बांटेंगे जैसे हमेशा बांटते आए थे, यहां बैठेगा कैसे, 18,000 और 12,000, ये 30,000। मतलब पता है क्या किया, देखो मैंने फिर वापस कह रहा हूं, इन दोनों कंडीशन का मिक्स है नहीं, इन दोनों प्रोविजन का मिक्स है, यानी हमने आईओसी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, प्रॉफिट भी, और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हमने क्या किया, ये जो प्रॉफिट था इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो किया है, लेकिन कैसे किया, आईओसी के जैसे किया। मतलब आईओसी भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, बात को समझिए आप, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हमने जो प्रॉफिट दिया था 18,000 और 12,000, वो कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ आईओसी, इन द रेशियो ऑफ आईओसी, आईओसी के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी आईओसी की भी बात रख ली और साथ ही साथ प्रॉफिट की भी बात रख ली है, दोनों में से हमने किसी को भी नाराज नहीं किया है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं मेरे लास्ट टॉपिक पे चलता हूँ, आईओसी गिवन इवन फर्म इज इन लॉस। मुझसे नैन्सी कहती है, बोले यार मेरे तो बैठ रही सारी कहानी, तुम तो एक काम करो, अपने तो यही रख लेते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा नहीं हमेशा अपन तो क्या करेंगे, आईओसी देंगे ही देंगे। मैंने कहा ठीक है, नैन्सी को कौन मना कर सकता है, नैन्सी ने कहा, मैंने मान ली उसकी बात। नैन्सी ने मेरे से कहा कि अगर लॉस होगा तो भी देना है, ठीक है भैया, जैसे उसने कहा उसके हिसाब से अगर कंडीशन रखी जाए तो कंडीशन क्या होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे उसके हिसाब से अगर बात करें तो भैया 2 IOC था, वो आईओसी आता है ए का और बी का, वो कितना आएगा, 30,000, 20,000, बोले तो 50,000 का, क्लियर। और उसने मेरे से कहा कि साहब अपने पास नेट लॉस गिवन है, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, नेट लॉस गिवन है, तो 2 net loss, वो नेट लॉस है मान लीजिए कितने का, 30,000 का लॉस है हमारे पास में। लेकिन वो कहती है कि भाई आईओसी दो, ठीक है, मैंने और नैन्सी ने लॉस बांटा कि हमारे पास आईओसी कितना था, 30,20, तो हमारे पास आईओसी का अमाउंट कितना हो गया, 50, यानी हम पहले से लॉस में चल रही 30,000, उसके बाद में आईओसी का लॉस और आया कितने का, 50,000 का, तो टोटल हमारे पास में लॉस कितना हो गया, 80,000। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो आपस में क्या करते हैं, आईओसी के लॉस को बांट लेते हैं। तो आई